हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण के इंट्रोडक्शन के जो हम लोग वीडियो बना रहे थे, ये उसका अंतिम वीडियो है, यानी कि चौथा वीडियो, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य विचार के बारे में। तो वाक्यों के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, परंतु ये मेल सार्थक होना चाहिए, परंतु ये मेल सार्थक होना चाहिए। जैसे सुंदर देश है भारत एक, तो क्या ये सार्थक है? नहीं है। इसको हमें लिखना चाहिए था भारत एक सुंदर देश है, भारत एक सुंदर देश है। तो वाक्य का मतलब कुछ भी निकल रहा हो पर उसका अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो वह वाक्य नहीं होता है। तो शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है। अगर अर्थ नहीं है मतलब वो चीज़ वाक्य नहीं है। अब वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से? तो पहला अंग वाक्य का होता है जिसको उद्देश्य कहा जाता है, और दूसरा अंग वाक्य का होता है जिसे विधेय कहा जाता है। तो उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा गया है, क्या वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, जैसे राजेश गाना गा रहा है, किसकी बात हो रही है? राजेश की। तो राजेश इस वाक्य का उद्देश्य कहलाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कहा गया है क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कहा गया है क्या था? राजेश गाना गा रहा है। तो राजेश तो इसका उद्देश्य है, पर गाना गा रहा है इसका विधेय कहलाएगा, ठीक है। तो राजेश उद्देश्य जिसके बारे में बात हो रही है, और जो बात हो रही है उसको ये कहते हैं। अब आती है वाक्य के भेद, ये तो इसके अंग हो गए। अब वाक्य के भेद, तो वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, एक तो किए जाते हैं रचना के आधार पर और एक किए जाते हैं अर्थ के आधार पर। कितने होते हैं? दो होते हैं, एक तो रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर भी तीन भेद होते हैं वाक्य के। पहला तो होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य मिश्र वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। फिर हम बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से बहुत सारे भेद होते हैं। तो पहला होता है विधिवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है आज्ञावाचक, ये सब अर्थ की दृष्टि से हैं, चौथा होता है प्रश्नवाचक, पांचवा होता है विस्मयादिबोधक, क्या विस्मयादिबोधक,
छठवां होता है संदेहवाचक, सातवां होता है इच्छावाचक और अंतिम होता है संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक। तो वाक्य के भेद दो होते हैं, एक तो रचना की दृष्टि से, एक अर्थ। अब रचना के आधार पर भी तीन होते हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त, और अर्थ के आधार पर आठ भेद होते हैं इसके, किसके? वाक्य के। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके अंदर क्या होता है। तो पहला जो रचना की दृष्टि से हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था सरल वाक्य। क्या? सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, एक उद्देश्य एक विधेय। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, सरल वाक्य। दूसरे किस्म का वाक्य जो था वो था मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? जब वाक्य दो या दो से अधिक वाक्यों से बना हो। जैसे मनोज ने कहा, क्या? मनोज ने कहा कि वह शरारत नहीं करेगा, मनोज ने कहा कि वह शरारत नहीं करेगा। अब देखिए इसमें दो वाक्य आ गए, ठीक है, शेष वाक्य आश्रित होते हैं। सभी जानते हैं कि गांधी जी सत्य बोलते थे, ठीक है। तो प्रधान वाक्य क्या है? मनोज ने कहा, और आश्रित वाक्य क्या है? वह शरारत नहीं करेगा। तो ये कहलाते हैं मिश्र वाक्य। अंतिम जो होता है तीसरा इसका, वो होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ये कैसे होता है? तो जब वाक्य दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों से बने परंतु एक दूसरे पर आश्रित ना हो। देखो इसमें क्या है, एक दो वाक्य तो हैं पर दूसरा वाला पहले पे डिपेंडेंट है या आश्रित है, इसमें कोई भी आश्रित नहीं होगा। जैसे अंकुर ने गाना गाया और रमन ने तबला बजाया, और रमन ने तबला बजाया। तो दूसरा वाक्य जो है पहले वाक्य पर आश्रित नहीं है। अब हम बात करते हैं जो हमने उसका सेकंड जो भेद था अर्थ की दृष्टि से। तो पहला उसमें हम लोगों ने पढ़ा था विधिवाचक। क्या पढ़ा था? विधिवाचक। तो जिन वाक्यों में किसी कार्य का करना या होना समान रूप से हो उसमें विधिवाचक होता है। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है, तो कोई विधि की बात हो रही है, पूरब से ही निकलता है, माली पौधों में पानी दे रहा है, इस तरीके के ये सभी वाक्य विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर आता है दूसरा निषेधवाचक। निषेध वाचक जिसमें कार्य का ना होना हो। जैसे वे बाजार नहीं गए हैं, वे बाजार नहीं गए हैं, नहीं आ गया मतलब निषेध हो गया। तीसरा होता है आज्ञा वाले या आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा हो। जैसे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आज्ञा दे दी कि चुप रहो, या बच्चों अपना काम करो, आज्ञावाचक, ठीक है। चौथा जो होता है प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जाए। जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, या ये प्याला किसने तोड़ा, या तुम कहाँ गए थे, इस तरीके के। अब पांचवा होता है विस्मय, या जिसमें अचंभित हो जाए किसी बात को लेकर, या शोक हो जाए या घृणा हो जाए। जैसे अरे ये कैसे हो गया, वाह यह फूल कितना सुंदर है, ओह आप गिर गए हैं क्या, इस तरीके के वाक्य विस्मयाधिबोधक वाक्य कहलाते हैं। अब जो छठवां है हमारा,
छठवां है संदेहवाचक, छठवां है संदेहवाचक वाक्य। तो अब संदेहवाचक क्या होता है? तो संदेहवाचक में यह समझ लें कि जिसमें संदेह हो किसी चीज का, जैसे हो सकता है कि आज बारिश हो, हो सकता है कि आज बारिश हो, ठीक है। तो इसमें संदेह हो, जिसमें कंफर्म बात हमको पता ना हो। फिर आते हैं इच्छावाचक, नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान आपका भला करे। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो इच्छावाचक होते हैं। आखिरी होता है संकेतवाचक, क्या? संकेत वाचक। जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक कहते हैं, जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि नौकरी मिल गई तो तुम्हारी सहायता करता रहूँगा। कोई कह रहा किसी से कि अगर हमें नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हारी सहायता करता रहूँगा, ठीक है। तो इस तरीके के वाक्य जो होते हैं वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ये था जो हम लोग हिंदी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे या प्रस्तावना पढ़ रहे थे कि हिंदी की व्याकरण कैसे शुरू की जाती है, उसका अंतिम वीडियो। अब आने वाले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये जितना जो कुछ है इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वर्तनी, वाक्य की अशुद्धियाँ, इस सभी के वीडियोस आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी ये वीडियोस अगर आपने पूरे देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया गया है, बिल्कुल सरल भाषा में इसको यहाँ बताया गया है, जिसको आप चाहें पहली क्लास के बच्चे को दिखा सकते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और बड़े परीक्षाओं के लिए भी आप इनसे पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई है या समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएं, इसको सुधार कर दोबारा वीडियो को हम लोग प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।